दोस्तों आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और सही सही देखा भी है, वो इसलिए क्योंकि अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तीन बड़ी खुशखबरी आ रही है, तीन अच्छी खबर आ रही है। ये तीनों ही खुशखबरी क्या है इनको मैं आपको सुनाऊं। इससे पहले दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नॉस्टर प्रो ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं कि तीन ये बड़ी खुशखबरी क्या है कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी फैंस के लिए, कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम के लिए। पहली खुशखबरी ये है कि इस समय चल रही बिग बैश लीग, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलने वाले क्रिस लेन लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इनका फॉर्म लगातार अच्छा होते जा रहा है और लगातार अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। क्रिस लेन का रिकॉर्ड की बात करें कि अभी तक 5 मैचों में इन्होंने कितने रन बनाए हैं बिग बैश लीग में, तो पहले मैच में 33, इसके बाद 29 रन, 84 रन, फिर 33 रन और आज ही हुए मैच में इन्होंने 54 रन बनाए हैं और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके एक और प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वह है जो डैनली। आपको बता दें कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2019 के ऑक्शन के दौरान बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा है, ऑक्शन पूल से पिक नहीं किया है, लेकिन जो डैनली पर इन्होंने भरोसा दिखाया है। लेकिन जो डैनली भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे बिग बैश लीग में, सिडनी सिक्सर्स की ओर से ये खेलते हैं, ओपनर बैट्समैन है और साथ ही साथ बॉल भी कर लेते हैं, लेकिन अब ये फॉर्म में वापस आ चुके हैं। मैच खेला गया था एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ और सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलते हुए इन्होंने नॉट आउट 76 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच लेकर गए और टीम को मैच जिता कर गए। तो दो बड़े दिग्गज कोलकाता नाइट राइडर्स के फॉर्म में आ रहे हैं जैसा आईपीएल पास आ रहा है, और इनसे यही उम्मीद है कि ये आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं। और जो डैनली के लिए ये पहला आईपीएल सीजन है, तो एक विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर, विस्फोटक ऑलराउंडर के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं। तीसरी अच्छी खबर की बात माने तो वो ये है, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तो है ही, साथ ही साथ बाकी सभी टीम्स के लिए भी है कि आईपीएल 2019 अब इंडिया में ही होने वाला है। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि ये होगा साउथ अफ्रीका में, यूएई में, लेकिन अब कंफर्म न्यूज आ चुकी है 8 जनवरी 2019 को ही मीटिंग के बाद कि आईपीएल 2019 इंडिया में ही कराया जाएगा और जिस भी स्टेट में इलेक्शंस होंगे उसकी बाकी सभी दूसरी स्टेट्स में मैच को कराया जा सकेगा। तो ये भी हम सभी के लिए खुशखबर ही है। तो दोस्तों ये तीन बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिल चुकी है, तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आप इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक्स तक देंगे। और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।